आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा। पूर्व घोषित योगी सरकार वादा निभाओ कार्यक्रम के अंतर्गत आज आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने गुस्से में नारे लगाकर प्रदेश सरकार को झूठा बताया और नारे लगाए कि अपना हक हम लेकर रहेंगे, योगी सरकार वादा निभाओ वादा खिलाफी नहीं चलेगी आदि जैसे नारों की कलेक्ट्रेट में गूंज रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेरिफिकेशन के बैनर तले आंगनबाड़ियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजे ज्ञापन में मांग की है कि बिना पेंशन रिटायरमेंट नहीं चलेगा, महिला सशक्तिकरण का झूठा वादा नहीं चलेगा, मुख्य रूप से वेतन बढ़ोतरी की मांग एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को सरकारी दर्जा देने की मांग आदि इन मांगों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव से पूर्व तथा बाद में प्रदेश के आंगनबाड़ी कर्मचारियों से जो वादे किए थे सब झूठे साबित हुए। इतनी महंगाई में कोरोना महामारी में अपने तथा परिवार की जान जोखिम में डालकर फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने का इनाम बिना पेंशन रिटायरमेंट के रूप में मिला। आगामी चुनाव में नोटा दबाया जाएगा तथा सरकार को सबक सिखाया जाएगा कि वादा खिलाफी क्या होती है। प्रदर्शन करने वालों में शशिवाला, विनीता, अलका शर्मा, अनीता, जयश्री, शालिनी, खुशबू, राकेश, कविता, कमलेश, विपिन गुप्ता, हेमलता ठाकुर, सरोज देवी आदि आंगनवाड़ी कर्मचारी मौजूद रही। नाम शशिवाला है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नाम से संगठन है, उसकी प्रदेश महासचिव हूँ। और आज जो हमारा ये 29 तारीख का कार्यक्रम है ये प्रदेश व्यापी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि योगी सरकार वादा निभाओ आंदोलन काफ़ी लंबे समय से हमारा चल रहा है और उसी बीच में योगी जी ने हमारी संगठन को और बाकी और संगठन को भी बुलाकर ये वादा किया था कि आंगनवाड़ी का मानदेय 10,000 मैं तुरंत बढ़ाऊंगा। ये 7 जून 2018 की बात है। उसके बाद 21 फरवरी 2019 को फिर योगी जी ने वादा किया कि आंगनवाड़ी का मानदेय मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन आज तक उनकी सारी घोषणाएं सब झूठी निकली। इससे हमारी आंगनवाड़ी बहनों में बहुत रोष है और उसी के तहत क्या किया इन्होंने कि जो कोरोना जैसी परिस्थिति थी जिससे कि देश में हाहाकार मचा हुआ था, ऐसी परिस्थिति में इस यूपी में बहुत बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी बहनों को हमारे रिटायर किया और उन्हें बिना कुछ दिए रिटायर किया। और हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे जब तक हमारी आंगनवाड़ी सभी आंगनवाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद 10,000 पेंशन नहीं मिलेगी। हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और हम शांति से नहीं बैठेंगे। हमारी आंगनवाड़ी बहनें भुखमरी की कगार पर हैं और कोरोना जैसे काल में जो क्या आंगनवाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर जैसा काम किया है और मौत के घाट तमाम सारी आंगनवाड़ी चली गई हैं हमारी, तो हम ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठेंगे जब तक सरकार हमारी सब मांगों पर विचार नहीं करेगी। और जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा है, रिटायर और जो प्रमोशन की बात है और जो नई भर्ती की बात है, राशन की बात है, राशन में राशन डीलर का हस्तक्षेप कर दिया है, ये सारी मांगों को लेकर आज हमारा प्रदर्शन है। और हम चाहते हैं कि सरकार का जो चुनाव है उससे पहले सरकार हमारी सारी चीज़ों पर ध्यान दे, वरना अंजाम जो है ख़राब होगा, वो भूल जाए अपनी कुर्सी को योगी सरकार।